हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप और आपके पेट्स दोनों ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इतने दिनों से अपनी वीडियोस नहीं बना पाया, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, मैं बिजी था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं अब दोस्तों आपसे वादा करता हूँ कि मेरे वीडियो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने किए, मैं उन सबसे माफी चाहूंगा कि मैं उनका रिप्लाई ज्यादा लोगों का नहीं कर पाया, और आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी का आंसर दे सकूं। और इंस्टाग्राम वाली फैमिली से भी मैं माफी मांगना चाहूंगा कि उन्होंने द लिविंग पेट्स को फॉलो किया और बहुत सारे वहाँ पे मैसेज आते हैं मेरे पास, तो मैं उन सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों, मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि लोग चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन जैसा कि आप समझ रहे हैं दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे किटन्स हैं, कैट्स हैं, वो पानी की डर से, कैट्स पानी से थोड़ा डरती हैं, तो वो इधर उधर लेटर कर देती हैं अगर बारिश हो रही होती है, जिससे घर में बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है और लोग बहुत परेशान होते हैं कि मेरे लिटर कैट्स इतने इधर उधर कर दिया है लिटर, जिससे बहुत स्मेल आ रही है, तो मैं क्या करूं? तो मैं आज आपको कुछ लीटर्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो आप अपनी कैट्स पे यूज कर सकते हैं, जिससे आपके घर में स्मेल आना खत्म हो सकती है या एकदम फिनिश हो सकती है। दोस्तों, तो मैं आज बात करूंगा दोस्तों कि सबसे पहले जब आप कोई किचन्स को लेके आए तो उसको लीटर्स की आदत डलवाएं। लीटर्स असल में ऐसी चीज होती है दोस्तों, जहाँ पे कैट जाके अपनी शिट करती है या अपना टॉयलेट करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके घर खुला है तो आप अपने घर में आसपास कहीं पे एक छोटे से बॉक्स में, जो प्लास्टिक के मार्केट में मिलते हैं, छोटा सा एक टब टाइप का ले लीजिए, उसमें थोड़े से सैंड उसमें डाल दीजिए और कहीं कोने पे रख दीजिए, जहाँ पे आप कैट्स का खाना रखते हैं वहाँ पे अगर आप उस बॉक्स को रख देंगे तो जब कैट्स खाएगी, थोड़ी दूर पे रखिएगा, पास में ना रखिएगा, क्योंकि स्मेल आने लगती है तो कैट्स अपना फूड जल्दी खाती नहीं है उसकी वजह से, तो आप थोड़ा दूर रख दीजिएगा। कैट जब अपना फूड खाएगी तो उसके बाद वो ज्यादातर है कि वो पॉटी करती है और अपना बाथरूम करती है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ी दूर पे अपना लीटर रख दीजिएगा, सैंड बॉक्स रख दीजिएगा जिसमें बालू हो, तो जब कैट फूड खा लेगी तो वो उसके पास जाके उसमें करने की कोशिश करेगी। और कैट की आदत होती है दोस्तों कि वो गड्ढा करके ही या फिर कोई चीज हटा के ही या अपना लीटर वो लीटर करती है या वो बाथरूम करती है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों देसी जुगाड़। पर इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको बार बार सैंड को, बालू को फेंकना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी स्मेल आने लगती है दोस्तों। तो इसीलिए अब मार्केट में नए नए लीटर्स के पैकेट आ गए हैं, जिसको आप सैंड भी उनको कहते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कैट्स आपकी उसमें बाथरूम करती है, अपना शिट करती है, तो दोस्तों उससे क्या होता है, उसमें स्मेल नहीं आती है और वो खुशबू में थोड़ी बहुत जो होती है उसमें खुशबू, एक तरह की खुशबू होती है, स्मेल होती है, जिससे जो दोस्तों जो है उसके लीटर या शिट की बदबू वो फैलने नहीं देता है। तो दोस्तों आप उसका यूज कर सकते हैं अपने आसपास, जहाँ भी मेडिकल स्टोर हो, जहाँ पे भी कैट्स के फूड मिलते हो, तो आप उनसे जाके, आजकल मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं दोस्तों, तो मैं भी यूज करता हूँ, तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे लीटर के लिए दे दीजिए कैट की, तो वो आपको दे देंगे। लगभग 5 किलो का आता है दोस्तों, उसमें से आप 1 किलो या आधा किलो को एक प्लास्टिक के बॉक्स में रख दीजिए, उसके बाद कैट्स के फूड से थोड़ा सा दूर रखिएगा। जब कैट अपना फूड खाएगी तो फिर वो जाएगी, जब उसको खोदेगी दोस्तों तो उसमें अपना पॉटी या शेड करने की करती है कैट, जिससे आपके घरों में स्मेल जो आ रही है, कैट इधर उधर कर रही है, और कैट्स की आदत हो जाती है, फिर वो पूरे घर में टहलेगी आपके, कहीं और लीटर नहीं करेगी, उसी में जाके लीटर करेगी। तो दोस्तों इससे आपके जो कैट्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, कि आप ये सोचते हैं लगभग 70% लोग कैट्स को इसीलिए अब थोड़ा सा बरसात में प्रॉब्लम उनको क्रिएट करती है कि वो पॉटी इधर उधर कर रही है या अपना लीटर इधर उधर कर रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में रहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो कैट्स की प्रॉब्लम है, जो लीटर की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप ये लीटर खरीद सकते हैं मार्केट से,
अगर आपको वो खरीदने हैं तो आप जाके वहाँ से वो चीज़ खरीद सकते हैं जो आराम से अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे आराम से अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जिस लीटर के बारे में मैंने आपसे बात की है तो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपका कैट नहीं लीटर उसमें कर रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हो। और प्लीज़ दोस्तों मैं जाते जाते आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें दोस्तों, जिससे हमारे जो नए अब वीडियो आने वाले हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने कैट्स का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।